देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्यालय से एसपी डॉक्टर विमल ने गुरुवार को प्रेस वार्ता पर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी भरकट्टा ओपी निवासी पिपराजीह निवासी रीतलाल यादव उर्फ रीतलाल महतो है। पुलिस ने आरोपी के पास एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा गोली जब्त की है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय गारा गुरु के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पिस्तौल लेकर घूम रहा है। सूचना मिलने के तुरंत बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने युक्त स्थल पर छापेमारी कर रीतलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले गिरफ्तार आरोपी ने अपनी मां और भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। वहीं पहले से भी आरोपी के ऊपर 3 मामला दर्ज है। कहा कि आरोपी की तलाश पहले से शुरू भी कर रही थी। छापेमारी में दल में पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक आकाश भारद्वाज, प्रकाश रंजन आदि जवान शामिल थे। गिरिडीह से राजदीप डिम्पल की रिपोर्ट। तब थोड़ा साइलेंट कर लेना मोबाइल और पीछे हमें हल्का सा। जी सर, सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो पिस्टल के साथ में घूम रहा है और घटना को भी अंजाम दे सकता है। ये भरकट्टा ओपी के आसपास की सूचना थी और इसको लेकर के एसडीपीओ बगोदर सरिया के नेतृत्व में टीम बनाई गई। सर्कल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी गिरिडीह इसमें मुख्य रूप से शामिल रहे और इसके बाद जो है वो छापामारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति जो रीतलाल यादव उर्फ रीतलाल महतो, जो कि भरकट्टा ओपी का ही रहने वाला है, उसके पास से एक देसी पिस्टल और 7.62 mm का जिंदा गोली ये बरामद हुआ। और इसके बाद जब पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि कुछ दिनों पूर्व इसके द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेके पुलिस को भी तलाश थी उसके। और इसके द्वारा जो है वो अपने ही घर में अपनी माँ और अपने भाई को ये गोली मारा था और मार करके गंभीर रूप से घायल करके ये फरार हो गया था। इसमें भी इसकी तलाश थी और इसका जब हम लोगों ने आपराधिक इतिहास निकाला तो इस पूर्व में भी इसके 3 कांड इसके ऊपर में दर्ज रहे हैं। विशेष रूप से 2 कांड जो एक 2007 में अहिल्यापुर में इसने एक घटना की थी और बिरनी में भी एक 2020 के मर्डर केस में ये शामिल था। और इसके अलावा भी अगर इसके द्वारा कोई घटना की गई है तो उसकी भी हम लोग जांच करें।